नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर दिल्ली से। दिल्ली के नागलोई में एक व्यक्ति को चाकू से गोद कर मार डाला। मृतक युवक शौचालय के पास लड़कों को स्मैक पीने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस बात पर गुस्साए लड़कों ने युवक को उसकी माँ के ही सामने चाकू से गोद कर मार डाला। नागलोई इलाके में पब्लिक शौचालय के पास हुए इस हमले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू भी जब्त किए हैं। 21 वर्षीय मृतक लड़का अपनी मां का इकलौता बेटा था। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। अभी कुछ दिनों पहले भी दिल्ली में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें सड़क किनारे पेशाब करने से रोकने पर ई रिक्शा चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखो दस मैक पीरे मैं धमकान लगे ना, बोले तेरे को जान से मारेंगे, ये बात तूने कही कैसे मेरे को? मैं तो इतनी बात कही जान से मैं धमकी दे गए गो मारेंगे, तूने बताया मीडिया मैं चांद से मेरा बेटा 1.5 महीने में आ ही गया था, मिस्त्री नहीं आया था ना, मेरा बेटा उन्होंने मार दिया मेरे बदले में। कह रहे थे तू बताएगी ना, मैं कंप्लेंट देगी, हम तेरे घर में बढ़ के तुझे ही मारेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे, कर माने गुंडे हम। आजकल लोगों में इतना गुस्सा आने लगा है कि वे किसी की जान लेने से डरते नहीं। क्या उन्हें कानून का डर नहीं रहता? ये एक गंभीर मामला है। न्यूज डेस्क से दीपाली सिंह की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।